हाय एवरीवन, नमस्कार। सो 40 से 60 सेंटीमीटर स्नोस्टॉर्म के बाद जगह जगह प्लाइंग वर्क जो शुरू हो गया था, बाहर अगर प्लाइंग वर्क चल रहा था जोर शोर से, तो घर में भी हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें की। तो चलिए, आज का ये रियल प्रोडक्टिव डे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। A, B, C, D, and small alphabets as well, right? I'll show you our sitter. It's very quick outside. It is, yes. Take it. Yes. First time my twins have done the dictation nicely. No, opposition. What is opposition? What is this? So, wow. Nandans, let me see. Oh, lovely, lovely, lovely. All correct. So now you will be getting what? And Mehak, yeah, show me your ears. Oh yeah. Mama. And me too. And oh me too. Wow. And me too. All of you show your ears. Wow. Nandan, can you please sit? And me too. Oh, lovely Nanda. My laughing Buddha. Okay, so now. And you're sleeping Buddha. And you are sleeping Buddha. This is nice. Oh, like this. Okay, like that, sleeping Buddha. Okay, so Ador is my sleeping Buddha and Nandan is my laughing Buddha. And I'm sleeping Buddha too. Okay. And you're sleeping Buddha, sleeping beauty. No, sleeping Buddha. So here's is your chocolate bar. Will open and give. I want one and one. And what about love and light with Mala? And what about Ador? Love and light with Mala? So snow blizzard के अगले दिन का रास्ता देखिए कुछ इस तरीके से था। इन लोगों ने प्लाइंग करके और शॉवलिंग करके चलने भर का जो है रास्ता बना दिया था, बट अभी भी बर्फ जो थी हर जगह थी। और अब मुश्किल ये था कि जो अब स्नो है ना, वो पाउडर्ड नहीं है, वो चल चल के या प्लाइंग के वजह से वो अब जो है सख्त आइस बनती जा रही थी, और इसमें स्लिप करने के चांसेस दी मोस्ट रहते हैं। देखिए ये जगह, यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो देख, आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो अभी भी है। इसीलिए ट्विंस का स्कूल जो है, ये इन लोगों का बोर्ड, ये आज भी इन्होंने छुट्टी डिक्लेयर किया है। सो देर इज़ नो स्कूल। और ये देखिए, ये वही ब्रिज है घर के सामने वाला, जहाँ से मैं अक्सर जाती हूँ डॉलरामा और विनर्स। और थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ प्लाइंग मशीन्स, जो कि रास्ते में से बर्फ हटा हटा के साइड में फेंक कर हम कम्यूटर्स के लिए इजी बना रही थी, ताकि हम आराम से चल पाए। बट अभी भी प्लाइंग जो थी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तादाद में ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बर्फ चारों ओर फैला हुआ था। इसीलिए शायद ट्विंस की छुट्टी कर दी, स्कूल में छुट्टी कर दी, ताकि एक दिन उन लोगों को और मिले टू क्लियर अप द स्नो। और अब बाहर की बर्फीली वादियों को छोड़कर आइए दिखाती हूँ, मेरे बालकनी की हालत अभी भी वैसी थी, और नीचे तो वैसे ही सफेद चादरों में पूरा ढका हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ। असल में टेम्परेचर इतना कम है, तो ये सब गलेगा कैसे? मामा, 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 कौन? No, it's your holiday. तो इसके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन हुआ शुरू। तो मेथी के माइक्रोग्रीन्स लगाए हैं, वो भी उग रहे हैं, उनको चेक किया। फिर अपना ये ओट स्मूदी पिया, इसमें आज सिर्फ ओट्स है, स्टीविया है और बादाम है बस। तो इसको पीते पीते मैंने अपने और सारे काम शुरू कर दिए। सबसे पहले घर का ह्यूमिडिफायर, ये यहाँ पे ना ह्यूमिडिफायर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राइनेस होता है। तो इसको चलाया, और इसको जब भी मैं चलाती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, तो बहुत भीनी भीनी खुशबू एक रहती है। और ये मेरा नया जेन कॉर्नर मैंने यहाँ क्रिएट किया है। आप लोगों ने मेरा पुराने घर का देखा होगा, मैं आई कार्ड में भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं ये जेन कॉर्नर मिस कर रही थी, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले ये ऐसा सेटिंग था, देखिए यहाँ मेरा वो प्रोपोगेशन स्टेशन था, साथ में एक बेंच में बुद्धा को बिठाया था। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया, यहाँ पे मैंने अपना ये विंटेज जो मैंने कलर पेंट किया था गोल्डन पेंट, ये वाला मैं टेबल ले आई, और मैंने यहाँ पे फिर छोटा बुद्धा को प्लांट किया, कुछ पेबल्स रखे, जो सब जेन गार्डन की जो शर्तें होती हैं, मेनली पेबल्स और प्लांट्स, तो वो सबसे मैंने अपना जेन कॉर्नर ऐसे देखिए क्रिएट कर लिया। एंड सिंस दिस इज माई नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट, तो यहाँ पे मैंने हिमालयन सॉल्ट रखा, मनी प्लांट्स रखे फॉर एबंडेंस,
और अब पारी थी इस बड़े बुद्धा प्लांटर को रखने की, तो उसको इस गोल्डन गोल्ड टेबल में रख दिया, साथ में ये जो मेरा ह्यूमिडिफायर कम डिफ्यूजर जैसा है उसको रखा। मुझे ना थोड़ा लो लाइंग डेकोर ज़्यादा पसंद है, जैसे नीचे कोई अपने फ्लोर क्रोशन से बैठकी बना दी या दीवान सा बना दिया, सेट कर दिया, तो इसको भी मैंने मेरे पास जो कुछ चीज़ें थी उस तरीके से मैंने सजा दिया। मेरे हिसाब से पता कोई भी चीज़ ना इनवाइटिंग होनी चाहिए, कि आप जहाँ भी जिस चीज़ में भी डेकोरेट कर रहे हो वो आपको ना लुभाना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। सो मुझे ज़रूर से फीडबैक में बताइएगा आपको मेरा जेन कॉर्नर और ये वाला डेकोर कैसा लगा। सो बाहर थी बर्फ लेकिन अंदर मेरे जेन गार्डन और हिमालयन सॉल्ट का वॉर्म्थ मुझे एकदम कोजी वाइब्स दे रहा था। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अब बारी थी आपको एक और चीज दिखाने की। आपको याद है मेरा ये एवोकाडो सीड का वाटर प्रोपोगेशन, देखिए ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है। और साथ में मैंने एक और स्नेक प्लांट का चारा काटा था और उसका देखिए उसकी भी जड़े आ गई, लेकिन इसकी थोड़ी और जड़े आने दीजिए फिर इसको मिट्टी में ये करूंगी। और इसका तो आपको याद है ना हम लोग किस तरीके से लाए थे। तो अब ये सब होने के बाद ये देखिए ट्विंस को, इनको मैं बोल रही हूँ नहाने के लिए, पहले ये लोग जूस पियेंगे। देखा अपने दांत से फाड़ रही है, बताइए पैकेट। वो देखती है ना जल्दबाजी में मैं कैसे पैकेट्स खोलती हूँ, बस वही सब करने में लगी रहती है आदोर। इसके बाद इन लोगों को बोला भाई अब तुम लोग नहा लो, तो देखिए मैंने ना कल रात को ये कॉफ़ी के शीशी का स्टिकर हटाने के लिए इस तरह से भिगो के रख दिया था। इसमें क्या है ना बहुत इजी होता है, स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत नहीं, आपस भिगो दो और आपको एक चकचकाता जार जो है आपको मिल जाता है। अब बारी थी लंच की, ये लोग गए नहाने तो मैंने सोचा चलिए आज गोभी की वही वाली बंगाली करी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने इसे बिग फ्लोरेट्स काट के रख दिए और साथ में आधा गोभी रख दिया कि उसको ग्रेट करके गोभी का पराठा अगले दिन बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मेरी गोभी की कॉलीफ्लावर करी, दाल और चावल मैंने बिठा दिया फॉर लंच। अब शाम में मैं आपको दिखाती हूँ, शाम में भी वही हालत थी, स्नो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा था, जैसे का तैसा ही था। इसमें एक बात अच्छी हो गई, यार मजुमदार ने बूस्टर डोज थर्ड डोज ऑफ कोरोना ले लिया है, तो वो अब बैठ गए हैं बच्चों को लेकर। वही मैं आपको बोल रही थी ना फन वे में कुछ कुछ हम लोग अभी कराना शुरू कर रहे हैं, तो आज इसकी बारी थी ए टू जेड की। जब तक ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे इस तरीके से मैं अपने कपड़े वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन से निकाले और उनको अब स्प्रेड करने की बारी थी, कुछ कपड़े फोल्ड करने की बारी थी, मैं वही सब कर रही थी। सच में कपड़े फोल्ड करना और धुले हुए बर्तन को जगह के जगह में रखना, ये दोनों चीज़ों में ना मेरी मौत आती है मुझे। अभी ना ये लोग वर्ड्स फॉर्म भी कर लेते हैं, जैसे कैन बोला तो सी ए एन कर लेते हैं, पैट मैट इस तरीके से। इसके बाद इन लोगों का गुड जॉब करने के बाद मैं आ गई लिविंग रूम। देखिए हर जगह ये लोग पता है अपना खेल का मैदान बना के रखते हैं, तो उसको क्लियर अप किया, सोफा वगैरह को, अब डाइनिंग टेबल की बारी थी। इसके बाद देखिए बेडरूम में सोएंगे तो नहीं दोपहर को, लेकिन सारा कुछ तामझाम ये लोग खोल देते हैं, सब कुछ पे ना इन लोगों को खेल नजर आता है। ये रजाई को खोल के ना ये लोग टेंट बना लेते हैं। Salad, okay, this one, okay. This is lemon, all right. Yes, teacher. Lemon juice, okay. And this is parati. Okay, tell me a thing. So, have you guys opened a restaurant here? No, this is our home. Oh, and in home, you've made so many dishes. Wow, that's amazing. Spaghetti and bolognese. Spaghetti and salad. It's so nice. देखा ट्विंस का मेनू जबरदस्त, तो आप लोगों को कौन सी डिश पसंद आई मुझे जरूर बताइएगा। पापा तुम्हारे किचन में क्या बन रहा है? मेरे किचन में बन रहा है गाजर मटर स्टफ। वाओ स्पेशल है।
सच में ये स्पेशल स्टर फ्राई बहुत स्वाद बनती है। पैन में डाला तेल, तेल में जब तेल गर्म हुआ तो कटे हुए लहसुन बारीक डाल दिए। जब लहसुन ब्राउन हुआ तो उसमें डाला जीरा। जब जीरा को भी हल्का ब्राउनिश कलर आ गया तब उन्होंने उसमें डाला कटा हुआ ग्रीन चिली, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। और इसमें डाले उन्होंने कटे हुए गाजर इस तरीके से पतले पतले काट कर, और इसको किया मिक्स और इसको थोड़ा ढककर रख दिया 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे। आफ्टर 6 मिनट्स ही चेक्ड इट, सी गाजर जो है थोड़े नरम हो गए, तो इसमें डाल दिए फ्रोजन मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर है थोड़ा ब्लांच कर लीजिएगा। मसालों में डाला हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस। अब इसको इन्होंने फिर किया मिक्स और इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद फिर थोड़ा सा इन्होंने चलाया और इसको कवर अप करने के लिए रख दिया। कवर करने के बाद देखिए ये इस तरीके से नरम हो जाते हैं। और मुझे ना इसमें आलू भी पसंद है तो मैंने फिर थोड़ा सा आलू बॉईल किया फटाफट माइक्रोवेव में और उसको भी काट के डाल दिया। देखिए इसमें आलू ज़रूर से डालिएगा, बहुत स्वाद आता है। सब्जी को किया सिम और मैं आ गई अगले काम पे। ये फेरी लाइट्स के ऊपर से बर्फ वगैरह थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश कर रही थी ताकि जब अगले दिन जलाऊं तो ये शॉर्ट वॉट ना हो जाए, बट देखिए आदोर हर जगह ना आ जाती है। No, but these are not your snow globes. Yeah, this is our snow globe. No, this is woolen. Yes, no, no, take it out. Adol, these are not snow globes. No, this is snow globe. Adol. सब्जी भी हो गई थी डन। और इस ना गाजर आलू मटर की भुजिया को जरूर बनाइएगा, सिंपल है बट डन। लहसुन और हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है। फाइनली आफ्टर 2 डेज का ऑब्स्टिकल्स वी आर गोइंग टू स्कूल। टेम्परेचर कम था बट देखिए प्लाउइंग वगैरह करके इन लोगों ने रास्ते में चलने जैसा बना दिया था, बट दोनों साइड में बर्फ थी और टेम्परेचर भी कम ही था। ये देखिए मतलब इजीली से ना वॉकेबल कर दिया था, बट ट्विंस के स्कूल के यहाँ पूरा बर्फ था। इस बर्फ में जाना ना बहुत खतरनाक था। मैं तो धीरे धीरे चल रही थी, यहाँ पे ना कुछ नहीं हटा, यहाँ पे प्लाउइंग की बहुत जरूरत है। देखिए पूरा जो रास्ता है वो कवर्ड है। और ये हम लोग पहुंच गए स्कूल, उनको स्कूल में छोड़कर। फिर यार मजूमदार भी अभी ऑफिस निकलेंगे। देखिए यहाँ पे भी इन लोगों ने रास्ता क्लियर कर दिया है, मतलब चलने योग्य था। और इस रास्ते के एंड में हम दोनों का रास्ता हो जाएगा अलग। यार मजूमदार चले जाएंगे राइट की तरफ और मैं जाऊंगी लेफ्ट। तो सीएन टावर को भी किया बाय बाय और मैं आने लगी अपने बिल्डिंग की ओर। और देखिए यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत बढ़िया से प्लाउइंग वगैरह करके रास्ता जो है चलने योग्य बना दिया था, पर देखिए रास्ते में कितना अभी भी बर्फ है। और अभी ना कल परसों की मुझे चिंता हो रही है, जब ये बर्फ जो है चलते चलते घिसते घिसते आइस हो जाएगा और स्लिपरी हो जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। एनीवेज आज का दिन तो काट लेते हैं। बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस पे ना मुझे बहुत बर्फ दिखा तो मुझे थोड़ा रिस्की लगा, तो आज बिल्डिंग के पीछे वाले डोर से ही घुसूंगी। तो चलिए अब लेती हूँ विदा, मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक अपना रखिए खूब सारा ख्याल। सो आज का वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा होगा दे दीजिएगा लाइक, करिए शेयर, और जो व्यूअर्स आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं करिए सब्सक्राइब, और जुड़ जाइए इस ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। सो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला।